फुल वीडियो बनाते हैं और बाद में शॉर्ट, लेकिन मैंने इस बार कुछ उल्टा कर दिया, पहले शॉर्ट बना दिया और अब लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ। तो हमारी आज की वीडियो है दुनिया की ऐसी 5 जगहें जहाँ पर इंसानों का जाना सख्त मना है। अब मना तो है, लेकिन क्यों मना है और इसके पीछे का क्या कारण है वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को कुछ भी बोलो वो सुनते नहीं हैं। कभी इसके दुष्परिणाम निकलते हैं और भाई कभी वो हमारे देसी साइंटिस्ट भी बन जाते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन भाई कहीं भी थोड़ा सोच कर और जान कर जाइए तो अच्छा रहता है। और फिर मैं हूँ ना आपको फैक्ट्स बताने को, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ज्ञान पाते हैं। तो हमारी लिस्ट की पहली जगह है स्नेक आइलैंड। ये स्नेक आइलैंड ब्राज़ील में है। यहाँ पर केवल सांप ही रहते हैं। इस आइलैंड का नाम इल्हा डे क्यूमाडा ग्रैंड है। यहाँ पर इंसानों का जाना मना इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सांप ही पाए जाते हैं। साओ पाओलो से 93 किलोमीटर दूर समुद्र में बसे इस आइलैंड पर भारी संख्या में गोल्डन पिट वाइपर पाए जाते हैं। इन्हें दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक माना जाता है। इस आइलैंड पर इतने ज़्यादा सांप हैं कि एक वर्ग मीटर में लगभग 5 सांप रहते हैं। यहाँ पर परमिशन लेकर केवल स्नेक रिसर्चर ही जा सकते हैं। जी हाँ, उन्हें भी आइलैंड के अंदर जाने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है। हाँ, एक इंसान ज़रूर है, हमारे गोलमाल का पांडू, वो यहाँ बिना इजाज़त के जा सकता है। सॉरी, मजाक कर रहा था। दूसरा है एरिया 51 अमेरिका। आपने ये नाम ज़रूर पहले भी सुना होगा। कई लोगों का कहना है यहाँ एलियन है, यहाँ अमेरिका का सीक्रेट कुछ मिशन चल रहा है। खैर, अब वो जो भी हो, वो आज तक एक सीक्रेट ही है। अब मैं इसकी जो कहानी फेमस है वो बताता हूँ। जी हाँ, इस जगह का जिक्र कई हॉलीवुड फिल्मों में भी किया जा चुका है। ये अमेरिका का सीक्रेट मिलिट्री बेस है जो अमेरिकी लोगों के साथ ही पूरी दुनिया के लिए भी रहस्य है। इस जगह के बारे में वहाँ तरह तरह की बातें की जाती है। इसके बारे में यहाँ तक भी कहा जाता है कि यहीं पर एक UFO क्रैश हुआ था जिसमें से एक एलियन निकला था। उस एलियन को मिलिट्री ने अपने कब्जे में रखा हुआ है। 2015 में अमेरिका ने एलियन के अस्तित्व को माना, लेकिन ये भी कहा था कि एरिया 51 में किसी एलियन को छुपाकर नहीं रखा गया है। यहाँ बाहरी लोगों का जाना बिल्कुल मना है। हमारी लिस्ट का तीसरा जगह है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, हिंद महासागर। जी हाँ, ये आइलैंड इंडिया में ही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये हिंद महासागर का सबसे खतरनाक आइलैंड माना जाता है। ऐसा इसलिए है कि नॉर्थ सेंटिनल के नाम से इस आइलैंड पर बहुत ही खतरनाक सेंटिनल नाम की जनजाति रहती है। ये लोग पूरी दुनिया से कटे रहना पसंद करते हैं। ये लोग इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि अपने आसपास किसी को फटकने भी नहीं देते हैं। जो भी बाहरी व्यक्ति यहाँ जाने की कोशिश करता है, उसे यहाँ की जनजाति मार डालती है। भाई बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सेंटिनल जनजाति को लास्ट ट्राइब के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लोगों को जाने से रोकने के लिए भारतीय नेवी ने 3 मील का बफर जोन बनाया हुआ है। हमारी लिस्ट पे चौथे नंबर पर है पोवेग्लिया, इटली। भाई इस कहानी को सुन के वाकई मुझे दिल से सच में बहुत बुरा लगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। पोवेग्लिया इटली वेनिस और लीडो के बीच स्थित एक आइलैंड है। इस आइलैंड का इतिहास बहुत ही भयानक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्राचीन काल में यहाँ प्लेग के मरीजों को लाकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब काला बुखार हुआ तब भी यहाँ पर मरीजों को लाकर छोड़ दिया जाता था। जो लोग मर जाते थे उन्हें यहीं ही दफना दिया जाता था। वहीं एक बार यहाँ पर 1,60,000 बीमार लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इसके बाद से ही इस आइलैंड को भूतों के बसेरे के रूप में जाना जाता है। सरकार ने यहाँ लोगों को जाने से प्रतिबंधित कर दिया है। पांचवा है लस्केक गुफाएं, फ्रांस। इस जगह को जाने से रोकने के लिए मुझे सरकार के ये निर्देश कुछ समझ में नहीं आए। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक समय ऐसा भी था जब फ्रांस की लस्केक गुफाओं को छुट्टी मनाने के लिए सबसे अच्छी जगह माना जाता था।
जब इसे लोगों के लिए खोल दिया गया था तो इसकी कलाकृतियों को लोग नुकसान पहुंचाने लगे थे, इसलिए इसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। लोगों की ये बात बहुत ही ख़राब रहती है कि किसी भी अच्छी चीज़ को आप देखो, आप छू, लेकिन ख़राब क्यों करना। खैर, ये कुछ ख़राब लोगों की मानसिकता ही ख़राब होती है, इसलिए वो हर चीज़ को ख़राब करना ही पसंद करते। चलिए, मेरी आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। तब तक के लिए टाटा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।